तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर अपने भीम एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड को ऐड करना चाह रहे हैं तो दोस्तों अपने भीम एप्लीकेशन में अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे अपने बैंक को ऐड करते हैं उसी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप भीम एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड को ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने फोन में आपको भीम एप्लीकेशन को ओपन करना। तो दोस्तों जैसे अपने फोन में आप भीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पे सबसे पहले अपना लैंग्वेज चूज करना है। तो दोस्तों आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज जैसे चूज कर लेंगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपको परमिशन को अलाउ करना है। तो दोस्तों जैसे परमिशन को अलाउ कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर का। तो दोस्तों अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। टिक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। दोस्तों आपको जो वेरिफिकेशन है तीन स्टेप में होगा। तो दोस्तों अगर आपका तीनों स्टेप वेरिफिकेशन होगा तभी दोस्तों आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर दोस्तों आपका तीनों स्टेप वेरीफाई नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से अपना पासवर्ड आपको डाल देना। तो दोस्तों आपका जो भी पासवर्ड होगा अपने पासवर्ड को इस तरीके से आपको डालना। जैसे दोस्तों अपने पासवर्ड को इस तरीके से डालना है, आपको भी इस तरीके से अपने पासवर्ड को डालना है। पासवर्ड जैसे डाल देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से आपका भीम एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करना है। तो दोस्तों आप कैसे लिंक करेंगे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यहां पे क्लिक करना, अपने बैंक पे क्लिक करना। आप जैसे अपने बैंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो बैंक अकाउंट इसमें लिंक होगा ऐड होगा आपका बैंक अकाउंट यहां पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली यहां पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन और आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप अपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट का और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बोले थे कि अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड को ऐड करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों जितने भी बैंक में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है सभी बैंक यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सिस बैंक और यहाँ पे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे सीएसबी बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक और यूनियन बैंक, यस बैंक। मतलब दोस्तों यहाँ पे 10-12-15-20 बैंक ऐसे हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप लिंक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तरफ वो बता रहे हैं, अगर आपका केनरा बैंक पे क्रेडिट कार्ड है तो केनरा बैंक पे क्लिक करना है। जैसे केनरा बैंक पे क्लिक कर देंगे तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट है आपके केनरा बैंक से तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है ऐड हो जाएगा। बट दोस्तों अगर लिंक नहीं है, ऐड नहीं है, आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है ऐड नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आएगा। तो दोस्तों मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम आपको ऐड करके आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। बट दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को। जब दोस्तों आपको जो क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। जैसे दोस्तों आपका बैंक यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों आप वहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करने या लिंक करने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।